तो आज की हमारी इस क्लास में विनोद जी के साथ हम बात करेंगे एंड और ऑर फॉर्मूले के बारे में। तो विनोद जी, सबसे पहले जानते हैं कि एंड और ऑर क्या इस्तेमाल कब होता है, ठीक है? तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, तो मैं लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको चेक करना हो कि ग्रेटर देन 50 क्या है, तो आप इजिली जो है इफ फॉर्मूले के अंदर में आप ग्रेटर देन 50 करके चेक कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पर दो कंडीशंस हैं कि मुझे 50 to 80 को चेक करना है कि अगर नंबर 50 to 80 पे है तो मुझे 800 का इंसेंटिव देना है, नहीं तो 100 का इंसेंटिव। राइट सर? ओके। तो इसके लिए यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो कंडीशन है कि ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80। तो जब आपके पास मोर देन वन कंडीशन हो तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक एंड और दूसरा ऑफ। एंड फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है जहां पर रिक्वायर कंडीशन हो, जैसे कि यहाँ पे रिक्वायर है कि 50 से बड़ा और 80 से छोटा दोनों होने ही चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 50। सर शोर आ रहा है पीछे से, तो माइक म्यूट कर लेंगे तो ठीक है। एक मिनट, लेस देन 80 तो हमने लगाया A2 इज ग्रेटर देन 50 और A2 इज लेस देन इक्वल टू 80। तो एंड के अंदर में क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हुए तो आपको वहां पे रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो एंड जो है ट्रू एंड फॉल्स में आपको रिजल्ट देगा। जी हाँ, ट्रू एंड फॉल्स। जैसे यहां पे मैं 55 कर दिया तो ट्रू आ गया, लेकिन मुझे तो 800 एंड 100 चाहिए था, तो मैं इस ट्रू एंड फॉल्स को इफ फॉर्मूले के अंदर डाल दूंगा। इफ और यहां पे हम कर देते हैं 800 और यहां पे कर देते हैं 100, तो क्योंकि इफ फॉर्मूला ट्रू एंड फॉल्स को ही कंसीडर करता है, तो यहां पे आपने देखा कि ट्रू एंड फॉल्स को हमने ले लिया। ओके अब बात करें, अगर हम और की बात करें कि और का एग्जांपल क्या होगा, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास डे है जिसमें सैटरडे एंड संडे, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे है, तो सैटरडे एंड संडे में मुझे यहां पे ऑफ वीक ऑफ दिखाना है, बाकी दिनों पे ऑफ दिखाना है। तो यहां पे मेरा दो कंडीशन है कि सैटरडे होगा नहीं तो संडे होगा, सैटरडे होगा नहीं तो संडे होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दो कंडीशंस तो हैं बट दोनों रिक्वायर नहीं है, क्योंकि कि एक सेल में सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है। तो यहां हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और का, और हमने यहाँ पे इक्वल हमने दिया सैटरडे, फिर कॉमा इसको सिलेक्ट किया और दिया संडे। अब एंटर प्रेस करते हैं तो रिजल्ट आपके साथ ट्रू एंड फॉल्स में आता है। जी हाँ, ट्रू एंड फॉल्स। मुझे इसमें ओपन वीक ऑफ एंड ओपन को कन्वर्ट करने के लिए हम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में हम करेंगे यहाँ पे ये G2 में संडे है ही नहीं, फिर ट्रू कैसे आ गया? और फॉर्मूला कहता है कि मुझे एक भी कंडीशन मैच कर गया तो मैं ओके, मैं आपको रिजल्ट ट्रू दे दूंगा, अगर कोई भी रीजन नहीं मिलता है तो मैं आपको फॉल्स करूं। समझ गए? दोनों में ट्रू होगा तो फॉल्स ट्रू आएगा, ये चीज आपका एंड फॉर्मूला करता है, समझे? क्योंकि यहां पे ट्रू तो हो ही नहीं सकता ना सर। क्यों? क्योंकि इसमें दो सैटरडे और संडे दोनों तो नहीं हो सकते ना, तो एक ही होगा, पॉसिबल ही नहीं ना दोनों सैटरडे संडे दोनों वैल्यू होना। लेकिन यहाँ इसमें सर ऐसा है मतलब कि दोनों अगर कंडीशन हमें प्रूव करना है तो एंड यूज करना है, और सिंगल कंडीशन आइदर ऑफ करना है तो और करना जी है। जी हाँ, मतलब कि आपके पास जो है मोर देन वन कंडीशन है बट रिक्वायर्ड है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, हम यहाँ पे कुछ नेम लेते हैं, नेम यहां पे हम देते हैं रिजल्ट,
तीन ही लोग। अब यहां अगला जो हमारा प्रॉब्लम है ये है कि मुझे रिजल्ट में पास और फेल देने हैं। क्या देने हैं? पास और फेल। बट कंडीशन यहां पर ये है कि अगर सारे सब्जेक्ट ग्रेटर देन 30 रिजल्ट अगर दे रहा है तो पास आएगा, अदरवाइज फेल होगा। ग्रेटर देन 30 अगर रिजल्ट दिया तो पास, अदरवाइज फेल। तो यहां हम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इफ माफ कीजिएगा एंड एड करेंगे, क्योंकि तो तीनों सब्जेक्ट में हमें 30 से ऊपर चाहिए ही चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट में ही अगर 30 नहीं आया तो उस दिनों फेल हो जाए, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन हमने दे दिया कि B2 greater than 30, C2 greater than 30, D2 greater than 30। जब मैं इसको एंटर मारूंगा तो रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आपके साथ शो करेगा। मुझे इस ट्रू एंड फॉल्स को पास और फेल में कन्वर्ट करना है। जस्ट अप्लाई इफ फॉर्मूला और यहां पे हम कर देंगे पास और यहां पे कर देंगे फेल। ओके, इस तरह से मल्टीपल कंडीशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसमें अगर इसी का और एग्जांपल देखे तो क्या होगा कि यहां पे हम कुछ नेम्स लेते हैं, यहां पे आईडी पूजा और यहां पे 1 2 3 इस सब्जेक्ट मान लीजिए यहां पे पैन चाहिए, डीएल चाहिए, पासपोर्ट चाहिए एंड बॉर्डर चाहिए। यहाँ पे स्टेटस अब यहां अगला जो एग्जांपल मेरा आ रहा है और के लिए और फॉर्मूला के लिए आपके सामने क्या है कि एक लिस्ट है जिसमें नेम और डॉक्यूमेंट्स है। तो जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट लिस्ट है, उसमें आईडी प्रूफ के लिए सेक्शन है कि किसने क्या आईडी प्रूफ दिया है और स्टेटस क्या है। अगर दे दिया तो स्टेटस ओके आना चाहिए, अदरवाइज पेंडिंग आना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये है कि आईडी प्रूफ में कोई एक भी चलेगा ना, अगर पैन कार्ड दे दिए फिर भी चलेगा, डीएल दे दिए फिर भी चलेगा, पासपोर्ट दे दिया फिर भी चलेगा तो आईडी प्रूफ में। बट क्या होता है कभी कभी हमसे मांगा जाता है आईडी प्रूफ, हम लोग एक के साथ दो दे देते हैं ना। जैसे पूजा ने मान लीजिए इसने दो दे दिया, तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि किसी ने एक या एक से ज्यादा आईडी प्रूफ अगर दिया हुआ है तो स्टेटस ओके आना चाहिए। तो यहाँ पे हम और फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एंड लगाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑप्शनल है। सारे चीजें यहाँ पे दो चाहिए, मिनिमम दो चाहिए। हाँ मिनिमम एक चाहिए, दो नहीं, एक या एक से ज्यादा, समझे। और बोलता है कि मिनिमम कम से कम एक हमारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है सर। अगर सारे के सारे भी ट्रू होगा फिर भी रिजल्ट ट्रू ही देगा, एक अगर ट्रू हुआ फिर भी रिजल्ट हमने बोला एक या एक से ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ एक भी चलेगा एक से ज्यादा भी चलेगा। जैसे होता है ना आईडी प्रूफ करने जाते हैं तो अगर आपने पैन कार्ड दे दिया तो सामान लाने थोड़ी बोलेगा यार, डीएल आपके पास, आपको आईडी प्रूफ चाहिए ना, तो पैन कार्ड लीजिए, पैन कार्ड भी तो आईडी है।
आपको आईडी और एड्रेस दोनों चाहिए तब पैन कार्ड नहीं चलेगा, बट डीएल तो चल जाएगा आईडी और एड्रेस दोनों में। राइट राइट राइट, तो वही चीज होती है। अब जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, अब इसमें हम इफ का फॉर्मूला अपनाते हैं, इफ का फॉर्मूला से हम यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे ओके एंड पेन ओके। अब यहाँ पे हम इसको लेते हैं। अब चलिए आपके क्वेश्चंस पे हम आते हैं। अब इस बार जो मेरा क्वेश्चंस है, क्वेश्चन ये है कि मैं बैंक में अकाउंट खुलाने जा रहा हूं, तो बैंक ने मुझसे दो प्रूफ मांगा है, बोला है कि आपको एक पैन कार्ड देना हो, क्योंकि पैन कार्ड देना कंपल्सरी है, पैन कार्ड तो देना ही पड़ेगा, पैन कार्ड के अलावा डीएल पासपोर्ट वोटर में से कोई एक देना, ठीक है। तो मुझे कंपलसरी और बाकी ऑप्शनल है। दो डॉक्यूमेंट देने हैं जिसमें पैन कार्ड कंपलसरी है, पैन कार्ड के अलावा कोई एक चाहिए। तो इसमें मुझे एंड और दोनों की कंडीशन दिख रही है ओके। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एंड दूंगा क्योंकि मुझे दो डॉक्यूमेंट चाहिए। राइट, तो एंड को दो ट्रू चाहिए होगा, तो पहला ट्रू पैन कार्ड, ठीक है, क्योंकि पैन कंपलसरी है। अब तीनों में से कोई एक चाहिए, कंपलसरी तीनों में से कोई एक है, कंपलसरी तो है मतलब कि देना ही है आपको, बट तीनों में से कोई हो तो यहां हम तीन कंडीशन राइट नहीं दे सकते क्योंकि मुझे कोई एक ही चाहिए। तो यहां हम और का इस्तेमाल करेंगे और एंड के अंदर और डाल के फिर बोलेंगे इसमें से वाई ले लो कॉमा, हमने इसको सिलेक्ट किया बोला इक्वल टू वाई कॉमा, हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला इक्वल टू वाई, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट ट्रू आ गया। राइट, ठीक है, यस। तो एंड और को इस तरह से हमने आपके साथ मिक्स अप, ठीक है। अब इसमें ओके और पेंडिंग के लिए अब यहां पे जो है इफ का कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके राइट, ये थी हमारी एंड और का एग्जांपल्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें अब आगे जो आता है नेस्टेड इफ आता है, तो नेस्टेड इफ को पढ़ने से पहले एंड पे प्रैक्टिस करें तो बेहतर है। यस यस यस, आपकी बैच में थोड़ा सा स्लो लेके चल रहा हूँ क्योंकि जितना आप ऑब्जॉर्व करें उतना ही पढ़ा रहा हूँ, आपको ऐसा लगा कि बहुत ही कम पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बताइएगा, मैं स्पीड बढ़ा दूंगा टाइम बढ़ा। ठीक 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 ठीक, थैंक यू थैंक यू।